हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज़ादी मार्च के हवाले से क्या कहेंगे। जी अंकल, आप फजलुर रहमान को जानते हैं? नहीं जानता। क्यों? बस वोट किसको दिया आपने? इमरान खान। इमरान खान को। ये जो आज़ादी मार्च कर रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं इसका। हाँ, फजूल है। नहीं, अगर हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, हुकूमत गिर जाएगी, इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। अल्लाह ही गिराएगा। हाँ, अल्लाह ही गिराएगा। वो तो कह रहे हैं फजलुर रहमान के मैं गिराने वाला हूँ। गिराने वाला वही जमीन आसमान पैदा। वो 27 अक्टूबर को जा रहा है इस्लामाबाद, तो आप जाएंगे उसके साथ? जाने नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं। क्यों? कोई फायदा नहीं है किसी के साथ भी। हाँ। ना इमरान खान ने रोटी देना है। हाँ। नवाज शरीफ ने ना देना है, ना फजलुर रहमान ने देना है। अब अपने मेहनत करना है, अपने मजदूरी करनी है। ठीक है। अपने आजकल ऐसे अपने बाप ने भी नहीं देना। ठीक है। अगर बाप को 4-5 पैसे दोगे तो बोलेगा ये मेरे पुत्र है, अगर नहीं दोगे दफा करो। ठीक है अंकल। अभी जो ना एक और नई बात आई है, नवाज शरीफ ने भी कहा कि मैं आज़ादी मार्च में शिरकत करने, मतलब मैं जो अपने फॉलोअर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप चले जाए आज़ादी मार्च में शिरकत करें। हम तो किसी के साथ भी नहीं है आजकल। नहीं, आपको तो नहीं कहा ना, वो अपने सपोर्टर को जो PMLN वाले उनको कहा है। अगर वो भी चले जाए, मौलाना फजलुर रहमान भी चला जाए और PPP वाले भी चले जाए, तो ये तो इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, इमरान के लिए मुश्किल हो जाएगा।